मैं सुरेंद्र प्रसाद नरेरे से रात्रि को रेडियो फिजी की मेरा रात देखा था। हमारा नाम याकूब खान है, हम करवांगा डिस्ट्रिक्ट में रहता है। रेडियो फिजी टू हमारे अच्छा प्रोग्राम है, हमारे करवांगा के सभी लोग रेडियो फिजी ज़्यादा सुनते हैं। रेडियो फिजी टू देश के धड़कन हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम। प्रणाम फिजी, मैं नवनीता लकेना में रहती हूँ। पूरी दुनिया भर की खबर मैं रेडियो फिजी टू से सुनती हूँ। मैं देवेंद्र विजय बनीबाऊ के रहने वाला हूँ। रेडियो फिजी टू देश की धड़कन मैं हर वक्त सुनता हूँ और मुझे बहुत आनंद मिलता है। रेडियो फिजी टू देश की धड़कन। नमस्कार, समाचार दर्शन के साथ मैं हूँ शहरीन लता। पांच फिजियंस जो सीजनल वर्कर्स प्रोग्राम के तहत ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहे थे, अब वहाँ गैर कानूनी रूप से रहने लगे हैं। एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर सेमी करोलाविसो का कहना है कि पांचों को पिछले सप्ताह फिजी आ जाना चाहिए था, हालांकि वे नहीं आए। एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ने पुष्टि की है कि पांचों ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में अपने एम्प्लॉयर्स के खिलाफ शिकायत की थी और बताया था कि उन्हें पुअर वर्किंग कंडीशंस में कम सैलरी में काम कराया जाता है, हालांकि इन दावों को अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। करोलाविसो ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के लिए फिजी के हाई कमिश्नर योगेश पुंजा को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था। सीजनल वर्कर्स प्रोग्राम के तहत 114 फिजियंस वर्तमान समय ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहे हैं। 30 वर्षीय एक व्यक्ति जिसने पिछले सप्ताह समम्बुला सूबा में 50 वर्षीय अपने भाई की हत्या की थी को अदालत ने उनके भाई के अंतिम संस्कार में भाग लेने का मौका दे दिया है। सकिरसा सौकुरु को आज सुबह मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में पेश किया गया था तथा उस पर हत्या करने का एक अभियोग लगाया गया है। सौकुरु के भाई का अंतिम संस्कार बुधवार को किया जाएगा। मजिस्ट्रेट नील रूपा सिंघे ने बताया कि सौकुरु को उनके घर तक एस्कोर्ट किया जाएगा, जिसके बाद पुलिस उसे दोबारा हिरासत में लेगी। मामले को 24 दिसंबर तक स्थगित किया गया है। पुलिस ने पुष्टि की है कि दोनों भाई साथ बैठकर शराब पी रहे थे, जब उनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा छिड़ गया, जिसके फलस्वरूप ये घटना घटी। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने 2015 फिजी ईयर 12 सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन रिजल्ट सभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स में भेज दिया है तथा स्कूल प्रिंसिपल कल 8 बजे से रिजल्ट्स डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस से ले सकते हैं। 12,472 स्टूडेंट्स ने देश भर के 166 सेंटर्स में इस एग्जाम में भाग लिया था। 65% स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास किया है। एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर महेंद्र रेड्डी का कहना है कि वे ओवरऑल नेशनल परसेंटेज पास रेट से काफ़ी खुश है। रिजल्ट्स को लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वेबसाइट www.education.gov.fj से भी हासिल कर सकते हैं। और खेलकूद में फिजी या वोडाफोन फिजी फुटसल टीम की हार न्यूजीलैंड के टूर पर कल उनके आखिरी मैच में न्यू कैलेडोनिया क्लब FC फेरेंट से 6-0 से हुई। न्यू कैलेडोनियंस इंतियाज खान कोच्ड फिजी साइट के लिए काफी ताकतवर साबित हुई। इस टूर पर फिजी की हार न्यूजीलैंड से 3 मैचेस में हुई। फिजी ने वेकातो को 4-3 से हराया था, जबकि टीम की हार ऑकलैंड से 5-0 से हुई। टीम बुधवार को देश लौटेगी। फिजी टीम इस टूर को अगले साल OFC फुटसल चैंपियनशिप्स के बिल्डअप के तौर पर ले रही है। और ये थे आज के मुख्य समाचार। शुभरात्रि। नमस्ते, गोल्डन पॉइंट रिजोर्ट राखी राखी में मिर्ची FM इज गरम गरम। मिर्ची FM इज हॉट। I'm Sanjay Itagua ke Mirchi FM is hot. I'm Harshana. I love Mirchi FM. It's hot in Lochoka. Hi, main Abhinash hu. Main Lambasa se bol raha hu. Main hamesha Mirchi FM sun raha hu. Mirchi FM is so hot. Main Shalini Devi from Cobalt FDU. Jaise aag khulti hai waise Mirchi FM mujhe mast kar deti hai. Mirchi FM is hot. Mirchi FM, it's hot.